में हमें एक एरे दिया हुआ है, तो हमारा जो सैंपल इनपुट है, मैं वो आपको बता देता हूँ क्या है। सैंपल इनपुट का मतलब हो गया कि इनपुट कैसा हमें मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले एक एन मिलेगा कि कितने एलिमेंट्स लेने हैं। तो हमें 10 मिला, मतलब हमें 10 एलिमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हमें एन मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देन हमें 10 एलिमेंट्स मिलेंगे अगली लाइन में, सपोज 1 2 3 4 5 मिले, इस तरीके के हमें 10 एलिमेंट्स मिलेंगे अगली लाइन में। तो ये हमारा सैंपल इनपुट हो गया। और हमें आउटपुट कैसा देना है, जो हमारा सैंपल आउटपुट होगा उसके अंदर हमें प्रिंट करना है। एक दो लाइनें प्रिंट करनी है। पहली लाइन में हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है ऑफ द एरे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे, और सेकंड लाइन में प्रिंट करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे, राइट। तो हम अभी सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 10 होगी और मिनिमम वैल्यू इसमें 1 होगी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके का आउटपुट होने वाला है। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है एरेज में से, और सैंपल इनपुट हमारा ये रखा है एन की वैल्यू 10 और फिर 10 एलिमेंट्स। सो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं सॉल्व। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें एरेज में अंदर समझ में आएगा अच्छे से कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो कोड करते हैं इसको जल्दी से। पहले मैं फाइल सेव कर रहा हूँ और इसको नाम देता हूँ मैक्समिन डॉट सीपीपी, और स्टार्टिंग टेम्पलेट लिखते हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें एन लेना है यूजर से, उसके बाद एन और एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैंने एन एलिमेंट्स भी ले लिए हैं एरे से, एरे में स्टोर कर लिया है उनको। तो यहाँ पे मैं एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। इसका साइज मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ 1000, क्योंकि टोटल 1000 वैल्यूज हमें मिल सकती हैं एरे इनपुट के अंदर। तो हमने एरे का साइज मैक्सिमम 1000 ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखने वाले हैं। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं कैल मैक्स, जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, और इसके अंदर हम एरे और उसका साइज पार्ट पास करेंगे, और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट मिनिमम, और उसके अंदर भी एरे और एन पास करेंगे और दोनों को प्रिंट करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमसे बोला गया। तो यहां पर मैं फंक्शन के प्रोटोटाइप्स लिख रहा हूं। वैल्यू रिटर्न वैल्यू इंट होगी, नाम है कैलकुलेट मैक्स, एरे इसके अंदर एक तो मिलेगा हमें एरे मिलेगा और एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक कैल मैक्स कैल मिन फंक्शन बनाना है। तो दोनों फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने डिफाइन कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं फंक्शन को मेन के बाद डिक्लेयर करूंगा, अगर आप पहले ही करते हो तो प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कैल मिनिमम, हमें सबसे पहले एरे मिलेगा और फिर हमें एन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एरे के अंदर, और इसी तरीके से हमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालने का लॉजिक बिल्ड करते हैं। तो सपोज हमारे पास एरे के एलिमेंट्स दे रखे हैं कुछ 1 2 3 4 एंड 100, और एक वैल्यू हम ले लेते हैं -200 भी है। तो ये हमारा एरे हो गया 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम निकालेंगे। तो मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल को हमें मानना पड़ेगा कि वो मिनिमम। तो हम इस टाइम पे इस वेरिएबल को बोलेंगे कि ये हमारा मिनिमम वेरिएबल है, मिनिमम वैल्यू है, जो इन सारे एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे मिनिमम ये है, इसको मैं मान लूंगा। हो सकता है सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए, बट पहले मैं इसको मान लूंगा ये मिनिमम है। उसके बाद इसको मिनिमम के अंदर मैंने 1 सेव कर लिया, तो अब मैं इसको 2 के साथ कंपेयर करूंगा। 2 अगर छोटा है तो मेरा मिनिमम चेंज होकर 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 छोटा नहीं है 1 से तो मैं आगे बढ़ा। 3 ये भी छोटा नहीं है, 4 छोटा नहीं है, 100 छोटा नहीं है, -200 1 से छोटा है, तो अब मेरा नया मिनिमम क्या हो जाएगा, -200। तो मैं 1 को हटा के -200 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं पूरे एरे में ट्रैवर्स करूंगा और अपनी मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल जाएगी एरे के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक होने वाला है टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू। यहां पर मैं वही लॉजिक लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं एरे को। तो ये मैं एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूं, और उससे भी पहले हमें एक मिनिमम वैल्यू, एक वेरिएबल बनाना है मिनिमम, और उसके अंदर पहला एलिमेंट जो एरे का उसको स्टोर करना है।
तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ मिनिमम वैल्यू, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ARR of 0, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू। और अब मुझे लूप को 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले एलिमेंट को मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया है। तो यहां पर मैं चेक करूंगा, अगर जो मिनी ARR of i है, ARR of i अगर छोटा है मिनिमम से, मतलब मेरे को नया मिनिमम मिल गया, अब मिनिमम कोई दूसरा है, कौन है ARR of i, तो मैं अपने मिनिमम को चेंज कर दूंगा विद ARR of i, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मिनिमम वैल्यू। जब हम इस लूप के बाहर आएंगे तो हमारे पास मिनिमम के अंदर सबसे छोटा वैल्यू होगी, सबसे छोटे एलिमेंट की वैल्यू होगी, तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे उस मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम कैलकुलेट करने का, और मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सेम फंक्शन होगा, तो मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और नाम चेंज करना है कैलकुलेट मैक्सिमम, और यहाँ पे वेरिएबल अब मिन नहीं होगा, मैक्स होगा, और वही करूंगा, सबसे पहले एलिमेंट को मैक्सिमम मान लूंगा, फिर चेक करूंगा अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम से भी बड़ा है तो अपने मैक्सिमम चेंज करके ARR of i कर, तो नया मैक्सिमम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें जो मैक्सिमम मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा और उसको मैं रिटर्न करूँगा। तो आई होप आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एरे के अंदर। सो अब मैं इसे बिल्ड करता हूँ एक बार। सो ये बिल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड नहीं कराया है, तो हमें एक फाइल के थ्रू इसे इनपुट दे रहे हैं हम, ये इनपुट का वेट कर रहा है हमारे। तो पहले इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, टूल्स में जाके कैंसिल बिल्ड कर दें, या फिर कंट्रोल ब्रेक दबा के भी बिल्ड कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पहले मैं अपनी फाइल कनेक्ट कर लेता हूँ कोड से, और फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ जो कि इसी फोल्डर में होनी चाहिए। ये मैंने इनपुट फाइल ओपन कर ली है, और इसको थोड़ा मैं रीअरेंज, थोड़ा सा इसका लेआउट को मैं रीअरेंज करता हूँ। तो अब ये इनपुट इस फाइल से लेने वाला है, और सबसे पहले n की वैल्यू लेगा वो 10 है, और फिर 10 एलिमेंट्स को लेगा, और इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में प्रिंट करके देगा। तो उसको बिल्ड करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर हम थोड़े चेंजेस करें, यहाँ पे हम एक और इसको बन देते हैं 900, और इसको कर लेते हैं -40, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए -40 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 900। तो इसको एक बार बिल्ड करते हैं, और वही हमारा आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन द एरे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके अंदर हमने सिर्फ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, अराउंड 20-30 क्वेश्चंस हैं एरेज के ऊपर ही हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एरेज के क्वेश्चंस की, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो, लेवल वाइज हमने वो प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं एरेज के। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट